अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते होंगे कि वबा की वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने लोगों को घरों में राशन पहुंचाने का फ़ैसला किया था और उसके साथ ही एहसास प्रोग्राम की बुनियाद भी कायम की, जिसमें मुस्तहिक लोगों को माहाना 12,000 रुपये देने का फ़ैसला किया गया। और अब तक काफ़ी लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे मौसूल हो चुके हैं, जबकि कई ख़ानदान अब भी महरूम हैं, जिसकी असल वजह ऐसे लोग हैं जो साहिब हैसियत थे और एहसास प्रोग्राम से हिस्सा लेने के लिए मुतलका नंबर पर मैसेज सेंड कर दिए, जिस वजह से लोगों की तादाद बढ़ गई। और यहाँ पर एहसास प्रोग्राम टीम के लिए ज़रूरी था कि वो ऐसे लोगों की तस्दीक करें जो मुस्तहिक हों, और इस दौरान काफ़ी वक्त दरकार था क्योंकि हुकूमत की कोशिश है कि रकम सिर्फ मुस्तहिक लोगों को ही मिले, जबकि इस प्रोग्राम में गैर ज़रूरी लोग भी मैसेज करके शामिल हो गए जो साहिब हैसियत थे। बहरहाल अब एहसास प्रोग्राम का दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है, जिसमें औरतों के अलावा ऐसे मर्दों को भी रकम मिलेगी जो दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। डॉक्टर सानिया नश्तर ने बताया कि एहसास कैश प्रोग्राम के 7 रोज़ से जारी अमल के दौरान 36,82,000 ख़ानदानों में 44,19,40,00,000 रुपये की रकम तकसीम कर चुके हैं। मज़ीद अमदादी रकूम की तकसीम का अमल दौरान माह के आखिर तक जारी रहेगा, जबकि प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए SMS सर्विस 19 अप्रैल तक है। मावन खसूसी का मज़ीद कहना था कि एहसास एमरजेंसी कैश सेंटर्स में माली अमदाद वसूल करने वालों के लिए कोरोना से बचाव के खसूसी हफाजती इकदामात किए गए हैं। इन इंतजामात में सेंटर्स को समाजी फासला कायम रखना और हाथों को सैनिटाइज करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक लोगों में 44 अरब से ज़ायद की रकम तकसीम कर दी गई है, जबकि मावन खसूसी सानिया नश्तर का कहना था कि एहसास प्रोग्राम के तहत 7 दिन में 44,19,00,000 रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एहसास प्रोग्राम से इस्तफादा करने वाले मुस्तहकीन की अक्सरियत योमिया उजरत पर काम करने वालों की है। मज़ीद बहुत जल्द तीसरे मरहले पे भी काम शुरू कर दिया जाएगा और मुस्तहक लोगों तक उनका हिस्सा पहुंच जाएगा। इस वीडियो के आखिर में एक ख़ास बात, अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत दे जो मुस्तहक लोगों के हक़ में रुकावट बन रहे हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आपको मौसूल हों।